अब हम आरंभ करते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक बिना कर्म के। तो पहला चित्र देखिए, जतिन दौड़ रहा है। तो जतिन, अब यहाँ प्रश्न करें, जतिन करता है, दौड़ रहा क्रिया है। माँ हंस रही है, माँ करता है और हंस रही है क्रिया है। अब देखिए यहाँ पर वाक्य संपूर्ण ही हो गया, बीच में कहीं कर्म दिखाई ही नहीं दे रहा, यानी अ का अर्थ हुआ बिना और कर्मक यानी कर्म के, यानी जहाँ पर कर्म ही ना हो, यानी क्रिया जब आए तो उसके साथ कर्म ना लगा हो। तो प्रश्न करके हम देखते हैं, जतिन क्या दौड़ रहा है, या हम जतिन क्या कर रहा है नहीं बोलेंगे, प्रश्न पूरी क्रिया के साथ रखते हुए करेंगे, जतिन क्या दौड़ रहा है, उत्तर हमें नहीं मिल रहा। ऐसी ही माँ क्या हंस रही है, उत्तर हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए ये दोनों क्रियाएं, दौड़ना और हंसना, अकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इसमें हमें कर्म का बोध नहीं हो रहा है। कर्म नहीं, देखिए दोनों वाक्यों में कर्म नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया है। तो इस प्रकार इन दोनों उदाहरणों द्वारा स्पष्ट हो गया है। इसके अलावा जागना, सोना, ये सब भी क्या है, उठना, बैठना, ये भी अकर्मक क्रियाएं हैं। तो अब देखिए परिभाषा, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब अकर्मक क्रिया की पहचान देखिए कि अकर्मक, अभी हमने अभी पीछे यही सीखा कि जब हम क्या का प्रश्न करें और हमें उत्तर ना मिले, वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर हमें उत्तर, क्या का उत्तर नहीं मिलता, तो क्रिया अकर्मक होती है। एक अन्य उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। प्रश्न करके देखिए, अब बच्चा क्या रो रहा है, अटपटा सा लग रहा है प्रश्न, बच्चा क्या रो रहा है, हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा, अर्थात हमें कर्म प्राप्त नहीं हो रहा। तो इसलिए रोना जो है वो अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, अकर्मक भी बोल सकते हैं, अकर्मक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमें स्पष्ट हो गया हमें कौन का प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, इसलिए हमें कौन शब्द से प्रश्न नहीं करना है, हमें प्रश्न केवल क्या से करना है। तो इस प्रकार आपको अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं स्पष्ट हो गई होंगी। सकर्मक और अकर्मक ही क्रियाओं के मुख्यतः भेद हैं।